न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, चेस ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, पीएन घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, दुर्गापुर के संशोधनागार से दीवार फांद कर भागे हत्या और लूट में बंद 3 कैदी, पुलिस ने व्यापक छापेमारी कर 1 कैदी को पकड़ने में पाई सफलता, लेकिन 2 कैदी अब भी फरार। कैदियों के भागने की खबर से पुलिस प्रशासन की पोल खुली, संशोधनागार में सायरन और सीसीटीवी कैमरे नहीं कर रहे काम, डीआईजी कारा ने किया निरीक्षण। आसनसोल में बंद पड़ी एक पत्थर खदान में गिरी कार, गोताखोरों ने कार निकाली लेकिन गाड़ी का चालक नहीं मिला। शिक्षक भर्ती घोटाले में वाम मोर्चा ने आसनसोल में किया सड़क जाम, पुलिस से धक्का मुक्की की स्थिति। आसनसोल के विख्यात मोम शिल्पकार सुशांत राय ने भारत के ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को बनाई मोम की मूर्ति, नीरज को बताया एक रोल मॉडल। सीतारामपुर में रेलवे टनल में 2 गाड़ियों में टक्कर, एक चालक की हल्की लगी चोट, दोनों गाड़ियां हुई डैमेज। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरी के पुलिस ने उप सुधार जेल के दीवार फांद कर भागे 3 विचाराधीन कैदियों में से एक भुवन नियोगी को गिरफ्तार कर लिया। अंडाल पेट्रोल पंप की हत्या और लूट के मामले में मोहम्मद साहबुद्दीन, नेपाल मिर्घा और भुवन नियोगी को गिरफ्तार किया गया था। रविवार दोपहर उप संशोधनागार के दीवार फांद कर 3 लोग फरार हो गए, आखिरकार सोमवार सुबह एक पकड़ा गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार भुवन नियोगी मालंदिगी के जंगल के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा था, उसी समय वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कांकसा एसीपी सुमन जायसवाल मौके पर पहुंचे, बाकी 2 फरार लोगों को अभी भी पता नहीं चल पाया है, उनकी व्यापक तलाश की जा रही है। हत्याकांड के 3 आरोपितों के कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से फरार होने की खबर मिलने पर क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। उनका सवाल है कि यह कैसे संभव है कि इतने सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी कैदी फरार हो गए। प्रशासन को पूरे मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए। ডিটেন করতে তারপর তাকে তার আমাদের ফটো সার্কুলেট করা হয়েছিল, ফটো দেখে আমরা আইডেন্টিফাই করি, তারপর সে নিজের সত্যি নামটা স্বীকার করে। কতজনকে ধরতে পেরেছেন? আমরা একজনকে ধরতে পেরেছি, তো আরও সার্চ করছি, যদি তার সঙ্গে যদি আরও কেউ এসে থাকে। জঙ্গল থেকে যদি 3 আসামি পালিয়েছিল জেল থেকে, ইলেকশন হোম থেকে 3 পালিয়েছিল, তার মধ্যে 1 ধরা পড়েছে, আরও যদি 2 থাকে তার জন্য আমরা সার্চ অপারেশন কন্টিনিউ করছি, যদি তাকে খুঁজে পাওয়া যায় বলে মনে করছেন? সেটা বলা হয়, দেখা যাক, আমরা সার্চ অপারেশন চলছে। সুধা উদ্যোগ। 160 कैदियों की देखभाल के लिए न सायरन, न सीसीटीवी, न उचित गार्ड, न पर्याप्त गार्ड, इसको देखने सोमवार दोपहर जेल डीआईजी कारा उप सुधारक ने जेल के लिए दौरा करने पहुंचे। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने सुरक्षा में कमी की बात स्वीकार की। सुरक्षा के अभाव में इलाके की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विचाराधीन कैदियों के फरार होने को लेकर भी चर्चा की गई। रविवार दोपहर हत्या और पेट्रोल पंप लूट के 3 आरोपी दीवार फांद कर भाग गए। सोमवार सुबह फरार एक आरोपी भुवन नियोगी को के मालदीघी जंगल से गिरफ्तार किया गया। हत्या के 2 आरोपी नेपाल मिर्घा और मोहम्मद साहबुद्दीन अभी भी फरार है। डीआईजी कारा शुभव्रत चटर्जी ने सोमवार दोपहर उप संशोधनागार सुधार गृह का सुविधा का निरीक्षण करने के लिए दौरा किया। उन्होंने सुरक्षा में लापरवाही की बात भी स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि 6 महीने में सायरन खराब होने की सूचना अधिकारियों को दी गई है, सीसीटीवी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यह घटना सुधार सुविधा के सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही के कारण हुई है। কাউকে কি শোকেস করা হয়েছে এই ব্যাপারে? হ্যাঁ, কারা রক্ষী যারা ছিল তাদের শোকেস করা হয়েছে। কতজনকে স্যার? 3 না, নিরাপত্তার অভাব আমি একদম বলবো না, হিউম্যান এরর থাকে, মানুষের ভুল একটা হয়, ঠিক আছে। তাহলে তো আমি বলবো যে সারা দেশে সর্বত্র ফোনটা ঢুকছে, তুমি এত পুলিশ এত কিছু রয়েছে, তারপরেও বাইরের থেকে রাগ আসছে, অস্ত্রশস্ত্র। 2009 এরকম একটা ঘটনা এখানে ঘটেছিল, 6 তখন তার কোনো তার সাথে এর সম্পর্ক নেই। বলছি সাইরেন কি ছিল না? সাইরেন খারাপ, সাইরেনটা খারাপ। আর সিসিটিভি? সিসিটিভি খারাপ নেই স্যার। এখানে দেখা যাচ্ছে যে বাইরের দিকটা প্রচুর জঙ্গল, যদি কেউ এইভাবে কালকে পালিয়ে গেছে লুকোতে পারে, এই জায়গাটা পরিষ্কার নেই কেন? এই জায়গাটা তো আমাদের এখানে যে মিউনিসিপ্যাল অথরিটি আছে তাদের সাথে টেক আপ করা হয়। এবার আগে আমাদের যারা ওপেন এয়ারে ছিলেন তারা এখানে কাজগুলো করতেন, পরিষ্কার করতেন। লাস্ট 2 ধরে তো করোনাতে তাদেরকে রং প্যারোলে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবার ধীরে ধীরে আসছে।
খাবার পরিষ্কার করার মতো লাগানো হবে। সিসিটিভি তো একটা, এটা তো ম্যান্ডেটরি মনে হয় নাকি? না, সিসিটিভি ম্যান্ডেটরি রকম কোথাও লেখা। আচ্ছা, সাইরেনটা যে খারাপ, সাইরেনটা হ্যাঁ জুলাই মাসে চিঠি করা হয়েছে, আবার এস্টিমেট না পাওয়া গেলে তো ওটা পাঠানো যাবে না। কত দিন ধরে খারাপ হয়ে আছে এই সাইরেন? কতদিন ধরে খারাপ? आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र में कई अवैध पत्थर खदानों की शिकायत लंबे समय से चल रही है। इस सड़क से गुजरते समय एक मोटर चालक पानी से भरे बंद पत्थर के गड्ढे में गिर गया। अभी स्पष्ट नहीं है कि कार में चालक के अलावा कितने लोग थे। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि बंद पत्थर खदान में पानी से भरे कई गड्ढे हैं। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के बारापुकुरिया क्षेत्र के आसनसोल शहर से जोड़ने वाली पक्की सड़क नहीं है। मन परिपन्न खदान में कोई बाढ़ नहीं होने के कारण अक्सर इन गड्ढों में दुर्घटनाएं होती है, लेकिन प्रशासन को कोई परवाह नहीं। कुछ दिन पहले स्नान करने के लिए गए अपने दोस्त के साथ एक किशोरी की पानी में गिरने से मौत हो गई। प्रशासन ने उस समय बाढ़ लगाने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। और इसी के चलते बीती रात आसनसोल स्टेशन जाते समय रास्ते में सुनील हाजदा नाम का एक चालक नियंत्रण खो बैठा और पत्थर खदान में गिर गया। उसके कार को पानी में तैरते देखा गया। सुनील के परिवार को संदेह हुआ कि सुनील कार के साथ पत्थर की खदान में गिर गया है। परिजनों ने मामले की सूचना आसनसोल नॉर्थ थाने में दी। पुलिस प्रारंभिक जांच के बाद मौके पर पहुंची और बचाव दल को सूचना दी। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। बचाव दल शव निकालने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक शव को बरामद नहीं किया जा सका था। আমরা তো গাড়ি উদ্ধার হলো, কিন্তু যিনি ড্রাইভার যিনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন তাকে পাওয়া গেল না। এখন দেখি আমাদের নেক্সট প্রসেস কী হয়, আমরা দেখছি প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা চেষ্টা করব। কী অনুমান আছে বড়ি থাকতে পারে? আমাদের সবই ভগবানের ইচ্ছা, আমরা চাইছি যেন কিছু না হয়, কিন্তু আশা করছি পেয়ে যাব। এখানে দেখি 7:30-8 থেকে মোবাইলটা সুইচ অফ আছে। বকুল স্যারকে ফোন করছি, ওখানে ওরা ফোন করছে বাড়িতে যে হ্যাঁ এখন পর্যন্ত এখনো আসেনি কেন, ওদিকে রিটার্ন করে ফোন করে এখনো যায় নাই না, তাহলে ফোন লাগাচ্ছে, ওরা ফোন লাগাচ্ছে আর আমরা ফোন লাগাচ্ছি, ঠিক আছে, ফোনটা সুইচ অফ আসছে। তারপরে মোটামুটি দেখলাম তাহলে কী করা যায়, তাহলে তো ওরা অফিসারগুলো অটোতে করে চলে গেলো, ঠিক আছে। তারপর থেকে আমরা খোঁজ খবর নিতে শুরু করলাম। আজ সকালে মামা চলে এলো মোটামুটি ওই 7:30, হ্যাঁ, তো দিয়ে পরে ওখান থেকে চলে এলো। তারপরে এসে দেখছি এদিকে সার্চ করছে, এদিকে দেখছে খোঁজ নিচ্ছে, তো দিয়ে পরে খোঁজ করতে 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 এখানে দেখলো যে ওই ব্লু বুকটা মানে গাড়ির কাগজ লক বুকটা জলে ভাসছিল। তো দিয়ে বলে একটা ইয়া করলো, গেস করলো, বলে না খালি এটা আমাদের হতে পারে। তো তখন আমার ছোটো ভাইকে ফোন করে ডেকে দিল, তো উনি এলেন। তারপরে ওরা ওই লক বুকটাকে তুললো, তুলতে বললো না এটা তো আমাদের লক বুক। তারপরে এখানে দেখছে এগুলো দেখছে যে ওই ইয়াটা ড্রাইভারটা ভাঙা আছে, ঠিক আছে। তখন আমরা সাসপেন্ড করলাম যে এখানে আমাদের। आखिर शाम को 5 बजे के करीब गोताखोरों की टीम को पहली सफलता मिल गई। डूबी कार का पता लगा लिया गया और उसे किरान के जरिए खदान से बाहर निकाला गया, लेकिन कार में बैठे व्यक्ति का कोई पता नहीं चला। गोताखोरों की टीम उसे खोजने में लगी हुई है। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग, ऑपोजिट गुड़ाई मंसर, नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250-399-450 एंड 7866-800-710। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम। कम मेकिंग चार्ज पे बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम
जस ज्वेलरी, हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार आसनसोल। जस ज्वेलरी, यानी आपके सुंदर पलों का साथी। अगर आप बाइक के शौकीन हैं, तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर। सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इको कार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गुराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। शिक्षक नियुक्ति घोटाले के मामले में तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के ED के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद इससे संलिप्त अन्य अधिकारियों और नेताओं को गिरफ्तार करने की मांग पर सोमवार को DYFI ने माकपा कार्यालय से एक विशाल रैली निकालकर भगत सिंह मोड़ के समीप GT रोड को जाम कर दिया। इस मौके पर माकपा नेता पार्थ चटर्जी, DYFI के जिलाध्यक्ष विक्टर बनर्जी के साथ सैकड़ों की संख्या में DYFI और माकपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान पार्थ चटर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के सरकार में कोयला, पशु, बालू तस्करी हो रही है। इसके साथ ही शारदा नारदा जैसी घोटाले भी सामने आई, लेकिन कोई कभी सोच नहीं सकता था कि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी आक्रमण किया जाएगा। इस दौरान जाम हटाने के लिए माकपा और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। लेकिन अपनी बात रखने के बाद ही माकपा और DYFI के कार्यकर्ता जाम हटाएं। लोगों ने पुलिस की एक भी ना सुनी। इस दौरान GT रोड पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। गोटा राज्य जुड़े अपनारा देखे शिक्षार उपरे एक बिराट आक्रमण हो, दुर्नीति हो। प्राक्तन शिक्षामंत्री जुक्त बाड़ीते तार घनिष्ठदेर बाड़ी थेके होच्छे जे एकदम काँचा टाका उद्धार करा जाच्छे। तार पाशे डान दिके आमादेर SSC ते जारा उत्तीर्ण होयेछेन तादेर चाकरी होच्छे ना। এই দাবিটা নিয়েই আজকে রাজ্য জুড়ে আমরা মনে করি, এটা তা শুধু কান মাথা টেনে রাস্তায় ফেলতে হবে। এই দাবিতে আমাদের রাজ্যের যে সিদ্ধান্ত আমরা তা কার্যকরী করছি। শুধু SSC না, অন্যান্য সমস্ত সামগ্রিক দুর্নীতি, কয়লা, বালি যেখানে যা আছে, কিন্তু এখন চোখের সামনে আমরা কাঁচা টাকাটা দেখতে পেয়ে গেছি। আর এখন কাঁচা টাকা কোথায় আছে উদ্ধার করতে হবে। ED সক্রিয় হয়েছে, আরো সক্রিয় হতে হবে। সক্রিয়তা ব্যতি রেখে এই টাকা ফুলে আনা যাবে না, আমরা মেনে নিতে পারছি না। আপনি কি মনে করছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের লেজুর এই আসানসোলে থাকতে পারে, তার লিঙ্ক আছে? আমি কে কোথায় লিঙ্ক আছে সেটা ED ঠিক করবে, কিন্তু তৃণমূল দলটা যে চুরিতে ধরা পড়ছে তাকে বিচ্ছিন্ন করছে। গোটা তৃণমূলে কেউ অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা স্বচ্ছ হাতেন এটা প্রমাণ করতে পারবেন না। একজন কাউন্সিলর দুদিন আগে তিনি ছোট গাড়ি বাড়িতে থাকতেন, আজকে তিনি স্কর্পিও চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর 34 বছরের রাজত্ব চালিয়েও আমাদের বহু মানুষের বাড়ি, এমনকি পার্থদে, সুদর্শনবাবু, এরা সব নিদর্শন হিসাবে আমাদের সামনে রয়েছেন। বুদ্ধবাবু এখনো পর্যন্ত রয়েছেন এবং আমাদের সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের নেতৃত্বের ভূমিকা আপনারা লক্ষ্য করছেন।
উদ্যোগ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आसनसोल में अर्पिता बनर्जी के घर में बरामद किए गए पैसा को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर जिला सभापति अमिताभ गोराई ने कहा कि ईडी के द्वारा अर्पिता बनर्जी के घर से 21 करोड़ बरामद की गई है, यह पैसा किसका है राज्य की जनता समझ रही है। शिक्षक नियुक्ति घोटाले की पैसा है, इसमें और भी नेता और अधिकारी शामिल है, उनको भी गिरफ्तार किया जाए और भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए हम लोग आज सड़क पर उतरे। তদন্তে আমরা বিশ্বাস করি যে এইরকম আরো অনেক অনেক ক্যাশ টাকা বেরোবে এবং প্রতিটাতে সরাসরি পার্থবাবুর যোগাযোগ থাকবে। সেই জন্য আমরা পার্থবাবুর শাস্তির দাবিতে এবং পশ্চিমবঙ্গের অগণিত শিক্ষিত যোগ্য বেকার যুবকদের স্বার্থে আজ বিজেপি ওবিসি মোর্চা আসানসোল জেলা পথে নেমেছি। जब पिछले साल हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो से सनसनी मचाते हुए गोल्ड मेडल जीता था तो पूरा भारत उनका दीवाना हो गया था। नीरज चोपड़ा रातों रात देश में हीरो बन गए थे, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उनके फैन बन गए थे। नीरज के कारनामे से ही आसनसोल के विख्यात मोम शिल्पकार सुशांत राय भी उनके दीवाने हो गए थे। सुशांत राय ने मोहशिला स्थित अपने मोम मूर्ति म्यूजियम में नीरज चोपड़ा की एक मूर्ति साकार कर दिया है। अब जब एक दिन पहले नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है तो सुशांत स्वयं को भी भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा की मोम मूर्ति पर फूलों का हार भी पहनाया। जखन ओलंपिक के गोल्ड मेडल हलो तखन आमी भोलेछिलाम जे आमी इंडियन आइडल ए खेला जगते सबचे बड़ पर एर आगे गोल्ड मेडल पेलो एखन वर्ल्ड कपे सेकेंड एटा भारतवर्षेर प्रथम কেউ একজন যে সিলভার মেডেল পেল। আমি এর আইকন একে আমি মূর্তিতে বানিয়েছি, এই সম্মান জানানোর জন্য আমি ওনাকে মানা করালাম। তোমারে ঘর কে ফার্নিচার বহুত আকর্ষক লাগতে লাগতে বহুত মহঙ্গা হ্যাঁ। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँ कि फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद जीटी रोड शनि मंदिर के सामने नूरुद्दीन रोड आसनसोल। सोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी सूट स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी जीटी रोड आसनसोल। आसनसोल में गहनी और आभूषण की दुनिया में एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय नाम न्यू अलंकार ज्वेलर्स। हॉलमार्क शुद्ध सोना और जीआईए सर्टिफाइड डायमंड के आकर्षक डिजाइन वाले गहने न्यू अलंकार ज्वेलर्स आए और अपने जीवन को सवारे। हाँ, बैंगल्स, रिंग्स, चूड़ी, इयररिंग्स, कान का झुमका, काथी, चिक हार, लॉन्ग हार, वेडिंग ज्वेलरी का खजाना, डायमंड आभूषण का भंडार। न्यू अलंकार ज्वेलर्स, पक्का बाजार, अपोजिट हेड पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अपने घर को सवारने, सुंदर बनाने के लिए पधारे डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के शोरूम में। यहाँ मिलेंगे आपको रंग बिरंगे वॉलपेपर, वॉल ड्रॉप, मॉड्यूलर किचन, फॉल्स सीलिंग, वर्टिकल गार्डन, आर्टिफिशियल गार्डन, वॉल पैनल। तो जल्द आए डेकोर वॉलपेपर, जयंती एनक्लेव, अपकार गार्डन, आसनसोल। अलेक्सा, टर्न ऑन माय कार्स एसी।
Introducing the new Hyundai Venue. कुल्टी के नियामतपुर क्षेत्र में टेढ़ी मोड़ के पास रेलवे पुल में सोमवार सुबह अलमारी ले जा रही एक छोटी कार ट्रेलर से टकरा गई, जिसमें चालकों को हल्की फुल्की चोटें आई, लेकिन टक्कर में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। गौरतलब है कि रेलवे पुल का जीर्णोद्धार का काम लंबे समय से चल रहा है। नतीजतन चितरंजन और आसनसोल से आने जाने वाले वाहनों को पुल के केवल एक तरफ से गुजरना पड़ता है। इस कारण क्षेत्र में दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सोमवार की सुबह चितरंजन की ओर से आ रहा एक ट्रेलर तेज गति से रेलवे पुल में घुस गया और अलमारी से भरी छोटी कार को पुल में चलने के लिए कोई जगह नहीं मिली। नतीजतन वे आमने सामने टकरा गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालकों को चिकित्सा के लिए अस्पताल भिजवाई। घटना ओदिक থেকে ট্রলার গাড়ি আসছিল বড় গাড়ি আর এদিক থেকে ছোট হাতি যাচ্ছিল দিয়ে তারপরে ছোট হাতির মতলব ব্রিজটা পেরিয়ে গেছে কিন্তু বড় গাড়িটা ওকে ঘষে নিয়ে ভিতরে চলে আসছে ঠিক আছে আসার পরে ওখানটায় মতলব পুরো ভয়ঙ্কর আওয়াজ হয় যে আমরা বেরিয়ে দেখি যে মতলব দুটো গাড়ি পুরো ভিতরে বসে আছে যে তারপরে যাক যে ভালোই হলো যে মতলব দুটো গাড়ির ড্রাইভার খালাসি বেঁচে আছে এইভাবে গাড়ি দুটো ফেসে যায় সুধা উদ্যোগ ফুলতুল নাই এদি ফুল দাও। बहुला ग्राम पंचायत कार्यालय भवन काफी समय से पुराना था और कार्यालय भवन बहुत छोटा था। लंबे समय से आम लोगों को सेवाएं प्रदान करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए 6 महीने पहले पंचायत ने आधुनिक सुविधा से युक्त कार्यालय भवन को स्वयं के खर्चे पर बनाने की पहल की जाएगी। इस नव निर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने सोमवार को किया। कार्यालय भवन के उद्घाटन के साथ ही विभिन्न बोर्ड के सफल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सहित परीक्षाओं में सफल मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 30 स्वयं सेवकों ने रक्तदान किया। विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि उनको उम्मीद है कि नए भवन से आम लोगों को काफी लाभ होगा। सारा बहुला ग्राम पंचायत उत्सव रमेश इनका ग्राम पंचायत मेम्बर प्रधान उपप्रधान सबकार नेतृत्व स्टाफ जरा आज बहुला ग्राम पंचायत सबकार दीर्घदिन प्रचेषा बहुला ग्राम पंचायत नतून भाव सेजे उठे एवं आज के सबाई मिले तरह उद्बोधन कर लानुषर जन उन्नयनमुखी ग्राम पंचायत के तरह दरजा खुले देा हल और आज के रक्तदान रक्तदान शिविर के शुरू कर কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের পুরস্কার দেওয়া থেকে শুরু অন্যান্য মানব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজ দিনটা সুচারু হয়ে পালন করলেন বহুলা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। সাতই মার্চ ওনার মোবাইল ফোন হারিয়ে গেছে, আজকে 25 জুলাই উনি মোবাইল ফোন ফেরত পেয়ে ধন্যবাদ। सोमवार को 30 मोबाइल चोरी होने के बाद आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस के द्वारा उन मोबाइलों को बरामद किया गया। बरामद की गई मोबाइलों को आज उनके मालिकों को लौटाया गया। इसको लेकर उन लोगों में काफी खुशी का माहौल देखी गई। इस दौरान एक युवती ने बताया कि उन्हें आशा नहीं थी कि उनका चोरी गया मोबाइल पुनः उन्हें वापस मिलेगा। हिंदी की बांग्ला बांग्ला अच्छा आपने अपने मोबाइल कब हारिए 30 जनवरी আর আপনি যে মোবাইলটা ফেরত পাবেন আজকে এটা আপনাকে কে বললো? আমাকে কল এসেছিল আমার কাছে সাউথ পিএসআর স্টাফদের থেকে কল এসেছিল। আচ্ছা আর আপনি থাকেন কোথায়? আমি আসানসোল ইসমাইল। আচ্ছা তো আপনি কি এক্সপেক্ট করেছেন যে আপনি ফেরত পাবেন? না একদমই এক্সপেক্ট করিনি, হঠাৎ করে কল এলো তো ভাবতেই পারিনি যে আপনার ফোনটা হারিয়েছিল কোথায়? আসানসোল বাস স্ট্যান্ডের কাছে। आसनसोल मुर्गासोल स्थित मालती मंगल प्लाजा अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को पानी की काफ़ी समस्या हो रही है। इसी को देखते हुए सोमवार को मालती मंगल प्लाजा के सभी महिलाओं ने आसनसोल नगर निगम के पानी विभाग का घेराव किया। आधा घंटा तक पानी विभाग के कर्मचारियों को अपना समस्या बताई। एक महिला ने बताया कि 3 महीना से हम लोग जिस फ्लैट में रहते हैं वहाँ पर कुछ फ्लैट में रहने वाले लोगों को पानी पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा, जिसके कारण हम लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार इसकी सूचना हम लोग नगर निगम को भी दे चुके हैं, मगर अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। कुछ दिन पहले नगर निगम से अभियंता विभाग के कर्मचारी लोग वहां गए थे, पाइपों का मरम्मत किए थे, उसके बाद आश्वासन दिए थे कि अब आप लोगों को पानी फ्लैट में मिलेगा, मगर अभी तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। 20 से 22 साल से लोग इस फ्लैट में रह रहे हैं। इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग अगले दिन नगर निगम के मेयर से मुलाकात करेंगे। स्थानीय पार्षद मोमिता विश्वास को भी इसकी जानकारी दी गई है। জল আসছে না কোথায়? আর 3 মাস ধরে মালতী মঙ্গল প্লাজা থেকে এসেছি রামমন্দতলা। কদিন থেকে? রামমন্দতলা, হ্যাঁ মালতী মঙ্গল প্লাজা।
আমাদের পাঁচটা ব্লক আছে, এ বি সি ডি ই, পাঁচটা ব্লকের মধ্যে কখন যে জল দেয় আমরা বুঝতে পারি না। আমাদের জল আসছে না, তিন মাস ধরে এই অসুবিধা, তিন মাস ধরে আমাদের অসুবিধা চলছে, আমরা জল পাচ্ছি না। কত ঘর আছে? হ্যাঁ, কত ঘর আছে ওইখানে? ওইখানে আশিটা ঘর আছে, আশিটা ঘর আছে পাঁচটা ব্লকে, কেউ পাচ্ছে না। না, न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, चेस ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, पीएन घाटी, सुधा हेल्थ केयर,